कौन थे वो पहले भारतवासी, कौन थे, अरे भाई कौन थे, कौन थे, हाँ हाँ कौन थे, कौन थे वो पहले भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी। क्या मतलब है आपका भारतवासी से? वही जो यहाँ पर आए बसे। ठीक है भाई। अरे बाबा ठीक है भाई, मगर कौन थे वो भारतवासी, मगर कौन थे वो भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी। रहते कहाँ थे वे, जंगलों में या पर्वतों में, खाते क्या थे वे, गोश्त या सब्जियों में, रहते थे वही जहाँ मुश्किल नहीं जीने में, खाते थे वही जो मिल जाए जिस मौसम में। ठीक है भाई पर तरीके क्या अपनाते भारतवासी, तरीके क्या अपनाते भारतवासी। क्या वे भी गाया करते, गुनगुनाते, बातों के लिए कोई भाषा भी आजमाते, जरूर अपनी चीजों को कुछ नाम देते, बच्चों को अपने कुछ सीख देते। ठीक है भाई, ठीक है भाई पर कौन सी भाषा बोलते वो भारतवासी, कौन सी भाषा बोलते वो भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी, कौन थे वो पहले भारतवासी। पहले भारतवासियों के बारे में जानना हो तो हमें इस धरती पर बसे पहले मानव के बारे में जानना होगा। इसे दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उससे हमें मदद मिलती है, चाहे वो अफ्रीका में पाए गए फॉसिल्स हो, चीन में मिले पत्थर के औजार हो, या फिर यूरोप में गुफाओं की दीवारों पर की गई चित्रकारी हो। ये सब बातें भी पहले भारतवासियों के बारे में, पाषाण युग के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताती है। भारत भर में ऐसी बहुत जगह मिली है जहाँ पाषाण युग का मानव रहता था। हम पाते हैं कि रहने के लिए वो लोग कुछ खास इलाकों को ही चुनते थे। ऐसे इलाके जहां किसी ऊंचाई से वो देख सके कि जंगली जानवर कहां आ जा रहे हैं। थोड़े खुले जंगल या ऊंची घास के मैदान हो। घने जंगल वो पसंद नहीं करते थे जिनमें उनके खुद शिकार बन जाने का डर था, और बहुत जरूरी था आसपास कहीं पीने लायक पानी का होना। पाषाण युग का मानव जंगली जानवरों का मांस तो खाता ही था। जंगल में मिलने वाले तरह तरह के फल, कंदमूल और पत्ते भी उसके भोजन में शामिल थे। तब उनके इलाकों की सीमाएं आज की तरह राजनीतिक आधार पर तो थी नहीं। नदी नालों, पहाड़ों और जंगलों से उनकी सीमाएं बंधी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई और उन्होंने नई तकनीकें विकसित की, वैसे वैसे वो पुरानी सीमाएं लांघते गए और तब वो अपने घर बनाने के लिए नई जगहें ढूंढ सके। ये सब तो है ठीक, पर सवाल वही है भाई, क्या उनको मालूम था विज्ञान क्या है भाई। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, ये विज्ञान नहीं तो क्या है, ज्ञान नहीं तो क्या है, विज्ञान नहीं तो क्या है। पत्थर के औजार बनाकर कांटे और छीले, काटे लकड़ी को कुल्हाड़ी, काटे मछली पकड़े। औजारों की ये खूबी विज्ञान नहीं तो क्या है,
ज्ञान नहीं तो क्या है, विज्ञान नहीं तो क्या है। उन्होंने देखी परखी पशुओं की चाल ढाल, खाने पीने के इरादे, चरने का हाल चाल। उनकी इस परख में विज्ञान नहीं तो क्या है, ज्ञान नहीं तो क्या है, विज्ञान नहीं तो क्या है। ऐसी जगहों में बने थे उनके रैन बसेरे, थोड़ा पानी ढेरों पत्थर, थोड़ा पानी ढेरों पत्थर, छोटे से घर डेरे, थोड़ा पानी ढेरों पत्थर, छोटे से घर डेरे। रहने और खाने में विज्ञान नहीं तो क्या है, ज्ञान नहीं तो क्या है, विज्ञान नहीं तो क्या है, ज्ञान नहीं तो क्या है, विज्ञान नहीं तो क्या है। आदिकाल के लोग शिकार और जंगली आहार ढूंढ ढूंढ कर ही पेट भरते थे। यह सिलसिला लाखों साल तक चला। वो युग कैसा था इसके सबूत बहुत कम मिलते हैं। बस कुछ फॉसिल्स, गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र और पत्थर के औजार। पर एक तरीका और भी है, वो है आज के आदिवासियों का जनजीवन। इसे देखकर हम गुजरे हुए युग के बारे में कुछ कुछ जान सकते हैं। इसे एथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं। जैसे भारत की पहाड़ियों और जंगलों में बसे आदिवासी हैं, जो अब तक शिकार करके और जंगलों में खाने की चीज़ें इकट्ठा करके अपना गुजर बसर करते हैं। शहनाज इसके बारे में कुछ बताएगी। मैं और रामनाथन कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बस्तर ज़िले के एक गाँव कुमारा गए थे। कुमारा में हल्बी जाति के लोग रहते हैं। शुरू से ही मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगी। इस युग के आदिवासियों को पाषाण युग के आदि मानव की तरह ही समझ लेना गलत होगा, क्योंकि ये लोग आधुनिक हैं। जैसे कि ये औरत जो हाथ में प्लास्टिक की टोकरी लिए बाजार जा रही है, इसे हमने वहीं के एक कुमार से खरीदा था। वैसे साइकिल्स, घड़ियां, प्लास्टिक की चीजें, ट्रांजिस्टर, ऐसी चीजें वहां आम है। पर जिस हद तक उनके कुछ तौर तरीके ऐसे है जिनका चलन पाषाण युग में भी था, उस हद तक तो ऐसे इलाकों के जीवन से हम अपने प्रथम पूर्वजों की सूझबूझ और विज्ञान की समझ के बारे में थोड़ा बहुत जान ही सकते हैं। कुमारा गांव में हमने देखा कि वहाँ के लोगों का जीवन धान की फसल पर आधारित है। पर धान के तने से अलग क्या जा रहा है? फिर भी रोजमर्रा की कुछ आम जरूरतों के लिए जंगलों में भटकना पड़ता है। क्या बता सकते हैं इस गाँव में कुछ चित्र बनाने वाले मिलते हैं क्या? बस्तर में एक जर्नलिस्ट इकबाल हमारे गाइड थे। इकबाल ने हल्बी जाति की लड़की कला से शादी की है और वहीं बस गए हैं। पूरी सुबह हमने गांव में बिताई, फिर औरतों के साथ जंगली आहार की खोज में निकलने का समय हो गया। मिलते जुलते हैं ना जो हमने भीमबेटका की गुफाओं में देखे थे, पाषाणियों के मानव ने जो बनाए थे। मगर इन लोगों ने तो कभी भीमबेटका वगैरह देखा नहीं होगा, फिर कैसा बना लिया? ये सवाल भी सही। अच्छा पूछिए, तुम बताओ तुमने वो रंग लगा रखा था ना, वो किससे बना था? रंग काय ले बनाए ला काय है चून कड़ी चूना चूना लगते हैं। आज भी दुनिया के लगभग सभी आदिवासी इलाकों में भोजन इकट्ठा करना औरतों का ही काम है। ये माना जा चुका है कि पाषाण युग में भी ये जिम्मेदारी औरतों की ही थी और मर्द सिर्फ शिकार मारा करते। वजह ये रही होगी कि औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दूर दूर शिकार पर नहीं जा सकती थी। हाँ, ये ख्याल कि मर्द ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे अब रद्द किया जा चुका है। वैसे मर्दों को एक एडवांटेज जरूर है कि वो ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं, पर हमारे लिए जरूरी है मौसमों और पेड़ पौधों की वो जानकारी जो औरतों ने धीरे धीरे हासिल की होगी। पौधों की समझ से शुरुआत हुई बॉटनी की। काफी भारी लगता है।
अच्छा उनसे पूछिए कौन सी जड़ी बूटियां मिलती हैं जंगल में। पहले कोई कुछ घना जंगल या ऐसा कुछ हुआ होगा, इसके बाद काट दिया होगा ना। यहाँ बहुत घना जंगल था पहले। जैसे जैसे यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ती गई, अब ये सब खेती बाड़ी के लिए इतना ही जान लेना कि कौन से पौधे खाने लायक हैं, कौन से नहीं, कितनी बड़ी सफलता रही होगी। कुमारा में औरतें कई जड़ी बूटियों से वाकिफ थीं। पाषाण युग में भी औरतों ने बहुत से पौधों के औषधिक गुणों को जान लिया होगा और ये भी कि कौन सा पौधा कहाँ किस मौसम में पैदा होता है। ज्ञान के इस मोड़ तक पहुँचने में और इस ज्ञान की सीमाएं फैलाते जाने में मालूम नहीं कितने हजार साल तजुर्बों में लग गए होंगे। अच्छा ये क्या है? ये इसकी बेल है। ये भीतर कांदा है, ये तरह डी रहा है। अच्छा ये इसकी बेल है, अंदर कांदा है। ये बोल रही है ये इसकी बेल है। अब ये बेल जहाँ से लगी थी ये सूख गई, अभी उसके नीचे में उसका कंद होगा। अच्छा अच्छा वो कंद को ये लोग खोद के निकाल खोदेंगे। खोदेंगे खोद बस ना अलता का कसन। और ये देखिए कांदा निकाल, बिल्कुल छोटी मूली की तरह लगता है। ये है वो जो भी है फोड़ के। ये क्या करते हैं लोग, इसको सब्जी बना के खाते हैं? इसको उबाल के खाते हैं। उबाल के? हाँ। अच्छा अच्छा जिस तरह शकरकंद होता है ना उसी तरह। हाँ। ये अलग अलग कांदे हैं जो खा के ये इनको उबाल के लोग खाते हैं। कला इस मौसम में इस जंगल में कौन से फल कंदमूल वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं? कांदा दो किस्म के यहाँ के लोकल वो होते हैं कांदे। जहाँ जहाँ खाने की चीजें ढूंढकर लाने का चलन आज भी है वहाँ लकड़ी का डंडा ही औरतों का मुख्य औजार है। बस्तर में तो उनके पास लोहे के सरिये थे, पर पाषाण युग में तो धातु उपयोग में थे नहीं। औरतें डंडे की नोक को ही आग में तपा कर सख्त कर लिया करती थी। इसको निकालते वक्त कितना टाइम लगता है? खोदते खोदते कितना टाइम लगता है? एक तरफ कंदमूल वगैरह की तलाश में औरतें मिट्टी को यूं खोदकर उलट पुलट करके उसे ज्यादा उर्वर और उपजाऊ बना रही थी, तो दूसरी तरफ किसी समय के दौरान कुछ जंगली किस्मों के अनाज से ज्यादा दाने वाली नई जातियां पैदा हो गई और यूं धीरे धीरे दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में औरतों ने ही खेती बाड़ी की शुरुआत की। और उस समय तक वो नए नए आहार इस्तेमाल में लाती रही होंगी, नए किस्म के कंद जड़े पौधे जंगली फल तलाश करती रही होंगी और भी बहुत कुछ, जैसा कि शहनाज और रामनाथन ने पाया। अब जानते हैं ये क्या चीज है? चीटियां, लाल चीटियां, इसको ये लोग चापड़ा बोलते हैं, इसको खाते हैं। इसको खाते हैं? काटती होंगी ये तो? काटती हैं, लेकिन उन लोगों से कैसा भी तरीके से इसको काटते हैं। काटा नहीं उसने? नहीं नहीं नहीं, ले लीजिए खाइए, बड़ा अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है, खा के देखिए आप। दबा दीजिए उसको, खाइए। खट्टा है तो? हाँ बिल्कुल। काट भी लिया मुझे जबान पे। इसकी चटनी बनाते हैं। लोन मेरी डाली करी था। नमक मिर्च डाल के? हाँ नमक मिर्च डाल के। घर लौटते वक्त थालियां और कटोरियां बनाने के लिए औरतें साल की पत्तियां तोड़ रही थीं। पाषाण युग में भी पेड़ की जड़ों रेशों और घास से औरतों ने ही पहले पहल टोकरियां बनाई होंगी और इसी से बुनने की कला जान गई होंगी। यही कला बाद में कपड़ों की बुनाई का आधार बन गई, लेकिन ये तो बहुत बाद में हुआ, जब खेती बाड़ी अपना लेने के बाद लोग एक जगह टिक कर रहने लगे थे। लाखों साल तक लोग शिकार और जंगली आहार के सहारे ही जीते रहे। इसी दौरान मानव जाति ने विकास भी किया।
जैसे जैसे उसने प्रकृति को समझा और उस समझ के मुताबिक उसका बेहतर उपयोग करना शुरू किया, उसके मस्तिष्क या ब्रेन का भी विकास होता गया। उस वक्त के मानव ने जो भी चीजें बनाई और उनमें से हमें जो कुछ भी मिला, उसमें पत्थर के औजार सबसे ज्यादा है। इसी कारण उस युग को पाषाण युग या स्टोन एज नाम दिया गया। सारी दुनिया में ये औजार अलग अलग दौर में एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे विकास और हमारे विज्ञान के विकास का क्रम भी हर जगह तकरीबन एक जैसा ही रहा और इसकी छाप औजार बनाने की तकनीकों पर भी है। हमारे होमो सेपियंस बनने से भी पहले के समय पर एक नज़र डालें। पहले पहल जब औजार बनने शुरू हुए, तब बस पत्थर को पत्थर पर मारकर तोड़ा जाता था ताकि उसमें धार आ जाए। इससे कटाई या खुदाई भी की जा सकती थी। तब इतनी कल्पना जरूर थी कि पत्थर में एक धार छुपी है जिसे खोज निकालना है। वैसे तो जमीन पर पड़े पत्थर भी औजार थे और टूटी हुई डालियां भी। यूं तो चिंपैंजी में भी इतनी अकल तो होती है कि वो किसी भी मिली हुई चीज को अपने काम में ला सकता है, लेकिन केवल मानव ही इस पेच और पेचकस की तरह के औजार बना सका है। और वो भी केवल मानव ही था जिसने धीरे धीरे पत्थर के गुणों को पहचाना और अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला। सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? अगर आज हम ये सोचें तो हर एक के मन में अलग अलग नाम आएंगे, मगर पाषाण युग के बारे में शायद ही कोई सोचे तो फिर वो मानव जिसने अपनी जरूरत के लिए पहली बार पत्थर को तोड़ा फोड़ा, उसे नया आकार दिया, उसके औजार बनाए, क्या वो वैज्ञानिक नहीं था? डेक्कन कॉलेज में पत्थर के औजारों का संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। पाषाण युग के प्रमुख दौरों को दिखाने वाला ये एक मॉडल है जो भिन्न अवस्थाओं से होता हुआ हमें उस काल तक ले जाता है जहां मानव ने खेती बाड़ी करना सीखा। पहले दौर के औजार काफी बड़े और वजन में भारी होते थे, जैसे कि ये। पहली नजर में तो लगता है कि ये एक मामूली पत्थर है, मगर ऐसा नहीं है। धारदार बनाने के लिए इसे कारीगरी से तराशा गया है और दूसरा हिस्सा गोलाकार बनाया गया है ताकि पकड़ने में आसानी हो, और इसका यह नुकीला भाग जमीन में गड़े कंदमूल उखाड़ने या फिर खाने लायक कुछ भी पाने के लिए काम आता होगा। इसे हैंड एक्स कहते हैं और यह है क्लीवर। इसकी तेज धार जानवरों की खाल उतारने या पेड़ की छाल निकालने में काम आती होगी। और हमारे आज की कुल्हाड़ी का पहला रूप दरअसल यही था। दूसरे दौर के औजार देखें तो पता चलता है कि इनमें से कुछ फाइनर ग्रेंड स्टोन के हैं, जिससे औजारों में अधिक धार और सफाई आ जाती है। इनमें से कुछ औजार तो दूसरे औजार बनाने और उन्हें धार देने के काम में लाए जाते थे, जैसे कि लकड़ी या हड्डी के भाले या तीर वगैरह। अगले दौर में हमें औजारों में कई विशेष सुधार देखने को मिलते हैं। इसे ब्लेड कहते हैं। इसे एक तेज धार चाकू के तौर पर काम में लाया जा सकता है और किसी हत्ती में भी जोड़ा जा सकता है। और इन्होंने ही आगवानी की है। आने वाले दौर के छोटे मगर नपे तुले आकार वाले औजार माइक्रोलिथ की। माइक्रोलिथ पाषाण युग के सबसे उन्नत औजार है। आमतौर पर एक माइक्रोलिथ खुद औजार नहीं बनता, बल्कि कई माइक्रोलिथ मिलकर एक औजार बनते हैं। हम जैसे जैसे वर्तमान की तरफ आते हैं, पाषाण युग घटता जाता है। लाखों वर्षों तक हमें सिर्फ क्रूड या अनगढ़ औजार मिलते हैं, जिनमें बहुत कम परिवर्तन हुआ। लेकिन एक बार जब
शोध सुधार की शुरुआत हुई तो दूसरा दौर काफी कम समय का रहा, सिर्फ 20,000 वर्ष। विकास की इसी गति के सहारे सिर्फ 5-6 हजार वर्षों में हम माइक्रोलिथ से कंप्यूटर के माइक्रोचिप तक आ पहुंचे हैं। हमारी समस्याएं अलग हैं, जरूरतें अलग हैं, और इन्हें पूरा करने के लिए हमारे यहां कितने सारे उपकरण हैं। लेकिन वो इंसान जिसने सबसे पहले हैंड एक्स का आविष्कार किया, वो भी तो अपने जमाने में वैज्ञानिक रूप से उतना ही उन्नत था जितना कि हम आज अपने आप को समझते हैं। पुणे से कुछ दूर कृष्णा नदी के उद्गम के पास वाकेश्वर नाम की एक जगह है। नदी के सूख जाने पर भी यहाँ के कुछ गड्ढों में 12 महीने पानी रहता है। पानी होने से तट पर हरियाली भी रहती है और मछलियाँ, पक्षी और छोटे जानवर साल भर पाए जाते हैं। यह है वाकेश्वर और वाई शहर उस तरफ है और उन्हीं पहाड़ों में से बहकर कृष्णा नदी आ रही है और इसी के किनारे पे यह पत्थर मिलते हैं। साथ ही यहाँ की नदी की तलहटी और किनारों पर औजार बनाने लायक बेजोल्ट पत्थर भी बिखरे पड़े हैं। ये एक तरह से पाषाण युग के मानव के लिए आदर्श बसेरा था। असल में ये नदी में टूट कर पानी के साथ बहते हुए आए हैं। चलिए देखिए, ये काफी पतला है और इससे अच्छा अंडा बना सकते हैं। अच्छा, पत्थर के औजार कैसे बनते हैं ये दिखाने के लिए ही डेक्कन कॉलेज के डॉक्टर वसंत शिंदे मुझे वहाँ लेकर गए थे। अच्छा बताइए, औजार बनाने लायक पत्थरों की कुछ खासियत तो होती होगी। जी हाँ, खासियत तो है। खासियत तो ये है कि ये पत्थर जो चुनते थे वो पत्थर ऐसा पतला होना चाहिए कि जो इसी सरी का होना चाहिए और इसका जो ग्रेन्स है वो फाइन ग्रेन्स होना चाहिए ताकि वो सीधा टूट जाए। अच्छा, इससे आप हैंडबैग्स बनाएंगे? जी हाँ। मैंने देखा किस तरह उन्होंने एक छोटे पत्थर से वार करके एक दूसरे पत्थर को आकार दिया। उन्हें पता था कि ठीक कहाँ, किस कोण से, कितने जोर या धीमे से वार करना है। तब मुझे महसूस हुआ पाषाण युग के मानव को भी इसका पता था। वो जान चुका था कि पत्थर कैसे टूटेगा, उसके वार का असर पत्थर की किस हद तक पहुंचेगा। जाहिर है औजार का एक खास रूप उसके दिमाग में पहले से था। ये पहले पहले औजार कुछ बेसिक चीजों के लिए इस्तेमाल होते होंगे ना, जैसे खुदाई, छिलाई, कटाई वगैरह। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हमको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो पत्थर के बनाए हुए औजार हैं ये सिर्फ हाथ में नहीं यूज करते थे, लेकिन किसी और मटेरियल में जैसे कि लकड़ी है उसमें बिठा के कुल्हाड़ी या भाला बनाते थे। औजार में जब हत्था जुड़ा तब मानव की ताकत बची, औजार का भी विकास हुआ और जब उसे भाला फेंकना आ गया तब उसके दौड़ने का काम उसके हथियार ने किया। अब आप माइक्रोलिथ बनाएंगे? हाँ, माइक्रोलिथ औजार बनाने के लिए फाइन ग्रेन पत्थर होना जरूरी है, जैसे कि जास्पर, चर्ट या चालसीडोनी। अच्छा, हाँ, ये जो फ्लैट सरफेस दिखाई देते हैं ना, इसी में से कुछ ब्लेड्स उतारे गए हैं। पर ब्लेड्स उतारते समय अगर इसी फ्लैट जगह पे चोट मार दी तो ये ब्लेड बीच में टूट सकता है, ये पूरा निकल नहीं सकेगा, इसलिए हमेशा ये कोने पे मारना पड़ता है। अच्छा। ताकि पूरा ब्लेंड निकल आए सकते हैं। अब मैं करके दिखाऊंगा। हैंडएक्स जैसे औजार बनाने के करीब 1,00,000 साल बाद बनाए गए ऐसे ब्लेड, इन दोनों के बीच
हमने विकास की लंबी दूरियां तय की। कई माइक्रोवेव मिला के एक औजार बनाया होगा, जैसे कि इसमें और एक ब्लेड में बिठा के दिखाऊंगा। शायद उन लोगों ने किसी पेड़ का गोंद इस्तेमाल किया होगा चिपकाने के लिए। जरा देखूं तो सीधा हसिया। छोटे तेज दांतों वाले ये हल्के औजार हमें खेती की दहलीज तक ले आते हैं। शाम को जब हम लौट रहे थे, पूनम का चांद पहाड़ियों के पीछे से उठ रहा था। उसकी छवि कृष्णा के पानी में चमक रही थी। क्या 50,000 साल पहले यहाँ रहने वाले पाषाण युग के मानव ने चांद को ऐसे ही देखा होगा? डॉक्टर शिंदे ने रंजन को और हमें औजार बनाने की तकनीकें दिखाई। इनके पीछे जो समझ है पत्थर के पहचान में, औजार के डिजाइन में, ये विज्ञान के पहलू है। जैसा कि मैत्रेय ने बताया था, पहले पत्थर को पत्थर पर मारकर उसमें धार पैदा करके औजार बनाए जाते थे। हमारे होमो हैबिलिस पूर्वज इसी तरह से औजार बनाते थे। बाद में होमो इरेक्टस का मुकाम आया, वो निश्चित दिमागी योजना के अनुसार औजार बनाने लगा। अब दोनों हाथ एक तालमेल के साथ अलग अलग उद्देश्यों में काम आने लगे। होमो सैपियंस होते होते हम खास जरूरतों के लिए और भी उन्नत तरीकों से औजार बनाने लगे थे। इस तरह योजना के अनुसार औजार बनाने में वही बौद्धिक क्षमता है जिसका उपयोग कोई आर्किटेक्ट या पुल बनाने वाला डिजाइनर आज भी करता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां पाषाण युग के लोग गुफाओं में रहते थे। बहुत सी जगहों पर पत्थरों के औजार काफी मात्रा में अब भी मिलते हैं। ऐसी कई गुफाओं में भीतर चित्रकारी की गई थी। हाल ही में रंजन और अमृता मध्य प्रदेश में भोपाल के पास की मशहूर भीमबेटका गुफा में गए। उनके गाइड थे एक स्टूडेंट सलीम सिद्दीकी, जिनकी इन गुफाओं में खासी दिलचस्पी है। अच्छा रंजन जी, आ रहा है ना? बहुत पुराना जंगल थोड़ी ना है यहाँ पर, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स तो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और वैसे भी जो है आपको, हाँ ये वो जगह है जहाँ पर मैं बता रहा था कि इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। अच्छा आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, और कितना चढ़ना है ऊपर सलीम? बस थक गए इतने में ही। अब तक तो हमने दो ही जगह देखी है। इन पहाड़ियों में तकरीबन 500 जगह है जहाँ पर ये लोग पनाह लिया करते थे। अरे तो भाई हम लोगों को ये सारी जगह थोड़ी देखनी है, बहुत सौ में तो इस तरह की तस्वीरें हैं ही नहीं, और जो है भी उनमें से कईयों की हालत काफी खस्ता है। खस्ता ही सही, लेकिन क्या ये अपने आप में कम बात है कि 30,000 साल पुरानी तस्वीरें हम आज भी देख सकते हैं? सलीम, इसमें तो मैंने पढ़ा है कि इस तरह के रंग वो लोग जानवरों की चर्बी, जड़ी बूटी के रस और तरह तरह के खनिज पदार्थों से बनाते थे। जरा सोचो तो, इस तरह के आविष्कार के पीछे उन लोगों ने कितने सारे प्रयोग किए होंगे। ये जगह है जहाँ पर पानी नीचे बहकर आता है ना, तो ऐसी जगहों पर काफी पॉसिबिलिटी है इस तरह के माइक्रोलिथ्स मिलने की। अच्छा? ये जिस पर इन सब का छिकल पड़ा है वेस्ट मटेरियल, और ये, हाँ ये देखिए माइक्रोलिथ। देखिए कितनी तेज धार होती थी इन औजारों की। देखो सलीम, वो जो तुम कल्पना शक्ति की बात कर रहे थे ना तस्वीरों वाली, वो तो इन औजारों पर भी लागू होती है। जैसे एक पत्थर पड़ा है और कोई उसे एक खास मकसद ध्यान में रखकर उससे एक चीज बना ली, इसमें भी तो कल्पना शक्ति का इस्तेमाल होता है ना। ये डेक्कन कॉलेज वालों ने जहाँ खुदाई की वो जगह कहीं पास ही में है ना? हाँ पास ही में तो है, चलिए आओ। अमृता, हाँ चलो ना। हाँ बस मैं अभी तस्वीरें लेके आ रही। किसी आकार को ध्यान में रखकर औजार बनाना न सिर्फ विज्ञान बल्कि कला से भी इसका संबंध है।
जानवर और आदमी, जिन्हें हम चारों तरफ से छू और देख सकते हैं, उनकी पेंटिंग्स दीवार जैसी सपाट जगहों पर उतारी जाने लगी। सोचा जाए तो ये कोशिश कितनी अनोखी थी। इतना बड़ा जानवर और ये आदमी डरकर भाग रहा है। इन पेंटिंग्स के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि इन्हें बनाकर वो जानवरों को वश में करने की कोशिश करते थे और अपने डर पर काबू पा लेते थे। शायद ये घबराया हुआ आदमी अपने साथियों को लेकर फिर लौट कर आया होगा और उन्होंने मिलकर बड़ी होशियारी से उसका शिकार किया होगा। जब इंसान आग में खाना भूनना सीख गया तो अपने शिकार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा खाने लगा। आग ने बहुत सी चीजों को खाने लायक बना दिया और क्योंकि इसने अंधेरे में उजाला फैलाया, रात में दिन यूं ज्यादा समय मिला मेलजोल के लिए, बच्चों को सिखाने समझाने के लिए, नाच गाने और किस्से कहानी के लिए। इंसान ने आग खुद पैदा करना कब सीखा ये तो हमें ठीक ठीक मालूम नहीं। इतना मालूम है कि सैकड़ों हजारों साल पहले वो आग को संभाल कर रखना जानता था। वो आग ही थी जिसने शीत युगों में हमारे होमो इरेक्टस पूर्वजों के जीवन की सुरक्षा की। आग को संभाल कर रखना तो अलग बात है, लेकिन जब उसने आग खुद पैदा करना सीखा होगा तब उन शर्तों को भी समझ लिया होगा जो आग के लिए जरूरी है। एक चिंगारी जो किसी भी चीज को सुलगाने का काम करे। दो वो चीज जो फौरन आग पकड़ ले। और आग जलाए रखने के लिए ईंधन, यानी एक ऐसी चीज जो भले ही आसानी से न सुलगे पर एक बार सुलग जाने के बाद देर तक लगातार जलती रहे। आग केमिस्ट्री में इंसान का पहला कदम था। समय बीतता गया और चीजों का रूप बदलने की इस शक्ति का गुण इंसान परखता रहा। हाँ, जैसे आग ने मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार की राह सुझाई और आगे चलकर धातुओं के उत्पादन की भी। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि उसने भी आग के बारे में इसी तरह सोचा जिस तरह आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसने तो इसे भी जानवर समझा होगा जिसे जिंदा रखने के लिए कुछ खिलाते रहना जरूरी है, और अगर कहीं जरूरत से ज्यादा खिला दिया तो वो जानलेवा भी हो सकता है। उसने आग को सूरज, हवा और बारिश की तरह एक ऐसी शक्ति मान लिया होगा जिसकी अर्चना आराधना जरूरी थी ताकि वो मनुष्य का कल्याण करे और उसे हर आफत से बचाए रखे। और हो सकता है ये सब चीजें कला की प्रेरणा बन गई हो। तो साइंस, धर्म और कला मनुष्य के विचार और कल्पना के वो पहलू हैं जिनकी जड़ एक ही थी, लेकिन समय के साथ साथ इनका फर्क उभरा और मनुष्य ने पहचानने लगा, और जैसे जैसे इनका विस्तार हुआ ये खुद एक दूसरे से दूर और कहीं कहीं विपरीत होते गए, जैसे धर्म और विज्ञान। आगे जब हम इतिहास का सफर करेंगे तो इन विचारों को दोहराने का मौका फिर मिलेगा। तो यूं हमने प्रकृति के बारे में अपने पूर्वजों की बढ़ती हुई सूझबूझ को जाना, और यह सफर हमें 10,000 वर्ष पूर्व के उस युग की दहलीज तक ले आया जब हम खेती करना और जानवरों को पालना सीख गए। इन खोजों ने जीवन को नए आयाम दिए, नए युग की नींव रखी जिसे हम नवपाषाण या न्योलिथिक रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। भारत में उस जीवन के कुछ सबूत कश्मीर में श्रीनगर के पास बुर्जा होम में मिले हैं। बुर्जा होम, बुर्ज यानी भोज वृक्ष और होम यानी जगह। नवपाषाण युग में यहाँ रहने वाले लोग भोज वृक्ष की छाल से अपने घर की छतें डालते थे, शायद इसीलिए इस जगह का नाम बुर्जा होम पड़ गया।
इन लोगों के घर जमीन के नीचे गड़े होते थे और इनकी छतें पानी अंदर नहीं आने देती थी। खुदाई में ऐसे कई घरों के अवशेष मिले हैं। घर के अंदर उतरने के लिए उन लोगों ने मिट्टी में सीढ़ियां बनाई हैं। ये वैसे ही एक घर का क्रॉस सेक्शन है। घर तो पूरा गोलाकार हुआ करता था, यूं। ये है घर की फर्श। राख के इस निशान से मालूम पड़ता है कि यहाँ आग जला करती थी। यहाँ काम कर रहे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को अनाज, हड्डी और पत्थर के तराशे हुए औजार वगैरह मिले हैं। घर, बर्तन, अनाज, ये वो चीजें हैं जिन्हें लेकर उस इंसान ने शिकार और जंगली आहार पर कट रही जिंदगी को छोड़कर एक जगह बसी हुई जिंदगी में कदम रखा। हालांकि आज यहाँ देखने को कुछ खास नहीं रह गया है, फिर भी बुर्जहोम गांव किसी भी गांव की तरह नव पाषाण युग के बारे में, खेती की क्रांति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। शादी के दावत की बड़ी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। खाना क्या बनेगा ये तो दावत में शामिल होकर ही पता चलेगा। फिलहाल ये देखते हैं कि खाने की चीजें किन किन चीजों से बनी हैं। वैसे ये सभी चीजें जो हैं वो हमारी जानी पहचानी है, और खास बात जो है वो ये कि इनमें से किसी भी चीज को हमारे पाषाण युग के पूर्वजों ने जंगलों में नहीं पाया। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती के जरिए इंसान ने इनका पोषण किया, और इंसान की कोशिश के बगैर इसमें से कोई भी जाति पनप नहीं सकती। बीज बोना, पौधे लगाना या फिर उनकी देखभाल, ये सभी कुछ इंसान को ही करना पड़ता है। और सिर्फ सब्जियां, अनाज या फल ही इंसान की अपनी उपज नहीं है, बल्कि वो जानवर भी जिनका मांस हम खाते हैं। अब ये जानवर भी इतने बदल चुके हैं कि पाषाण युग का मानव, जिसने इनके जंगली पूर्वजों का शिकार किया था, इन्हें देख कर हैरान रह जाता। जंगलों में इस जानवर का बच पाना मुश्किल है। ये पूरी तरह अपने मालिक चरवाहे पर निर्भर है, जो इसे चारा दे, सर्दी से सुरक्षित रखे, और जिसके कुत्ते जंगली जानवरों से इनको बचाए। हमारा फाका से मर गया है, इसको आगे जाना पड़ेगा। ये उधर पहाड़ी में अच्छा अच्छा इसको घास मिलेगा, ये खूब पानी पिएगा, ये उधर ले जाएगा, हम ऊपर पहाड़ में अच्छी तरह अच्छा घास मिलेगा इनको। शिकार करने के बजाय जब इंसान जानवरों को पालना सीख गया, तब भी उसे बंजारों से ही जिंदगी जीनी पड़ती थी, तब तक जब तक उसने खेती नहीं अपनाई। जंगल में आहार की तलाश में भटकना छोड़कर उसे खुद पैदा करने के लिए एक जगह टिक कर रहना जरूरी हो गया था। ये रास्ता चुनना शिकार और जंगली आहार पर निर्भर करने वालों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जीवन की इस नई डगर पर कई जोखिम थे और ये अनिश्चित भी थी। इसके लिए पहले तो जमीन की तैयारी करनी होगी, फिर हर एक फसल खास मौसम में बोनी होगी, उसकी सिंचाई, छटाई और निगरानी के अलावा जानवरों से उसकी हिफाजत करनी होगी, और फिर अगर बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए या फसल में कीट कीटाणु लग जाए तो फिर महीनों भर की मेहनत सब बर्बाद। खेती के सहारे ही ज्यादा लोग किसी एक जगह पर अपनी गुजर बसर कर सकते हैं। इसीलिए खेती की शुरुआत के बाद छोटी टोलियां
बड़े समूहों में बदल गई और लोग जमीन से इस तरह जुड़ गए कि उसे अपनी समझने लग गए। लोगों को साल भर मिलकर काम करना पड़ता था क्योंकि सारी जिम्मेदारियां सही वक्त पर निभानी पड़ती थी और अब उनकी जरूरतें भी बढ़ गई थी। अनाज को संभालने के लिए अब उन्हें जरूरत पड़ गई बर्तनों की और भांडों की और ऐसी जगहों की जहां वो खुद और अपने सामान को धूप और बारिश से बचा कर रख सके, यानी घरों। भोजन की लगातार खोज से उन्होंने छुटकारा पाया तो हस्तकलाओं के लिए भी ज्यादा समय बचने लगा। मिट्टी के बर्तन, टोकरियां, कपड़े की बुनाई, इन सब कलाओं का विकास इसी काल में हुआ। आप बताएंगे इन सब के नाम? हाँ, ये रिश्ता है, ये गुस्ताबा है, ये तबख माल, ये दानवेल कोरमा है, ये हिंदी रोगन जोश है, ये दूसरे किस्म का रोगन जोश है, दूसरे किस्म का। और पहली बार उनकी आवश्यकता से ज्यादा भोजन उनके हाथ में आया जिससे वक्त बेवक्त वो अपनी जरूरत पूरी कर सकते थे या दूसरे कबीले के लोगों के साथ और चीजों के लिए इसका लेन देन कर सकते थे। और यूं खेती के साथ शुरू हुआ एक सामाजिक और आर्थिक विकास का नया दौर। खेती के सबसे पहले सबूत पश्चिम एशिया के फर्टाइल क्रेसेंट में मिलते हैं। 8 या 10 हजार ईसा पूर्व के सबूत है ये। ईसा पूर्व 7 हजार तक आते आते ये एक शहरी सभ्यता का रूप ले लेते हैं जिसका सबसे पुराना शहर था जेरिको। पिछले कुछ वर्षों में मेहरगढ़ नाम के एक जगह पर भारत उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ की गई खुदाई से पता चला है कि ईसा पूर्व 7 या 8 हजार से लेकर 2500 साल तक यहाँ आबादी का एक निरंतर सिलसिला था। गेहूं के दाने, शुरू में शिकार, बाद में पशुपालन, कच्ची ईंटों के मकान और अनाज के गोदाम, पत्थर के उन्नत औजार, मनके, गहने, व्यापार और मृतकों के लिए कब्र। समझा गया है कि यूं धीरे धीरे मेहरगढ़ और आसपास के इलाकों में एक सभ्यता जन्मी जो सिंधु घाटी तक फैल गई और इसकी नदियों के किनारे फलती फूलती खेती के आधार पर विज्ञान को भी नई दिशाएं मिली। ये थी हड़प्पा की शहरी सभ्यता जिसके बारे में हम अगली दफा बात करेंगे। शिकार और जंगली आहार पर जीने वालों से जेरिको और मेहरगढ़ के किसानों तक लाखों बरस का फासला था, लेकिन हम में और उस खेती की पहल में सिर्फ 10 हजार साल की दूरी है, जैसे कल की ही बात हो। फिर कोई ताज्जुब नहीं कि आज भी हमारे बहुत से तीज त्योहार खेती की उस खोज की यादगार हो। नवरात्रि गुजरात का एक खास त्योहार है। बंबई की एक बिल्डिंग, यहाँ घर घर में औरतें मिट्टी के बर्तनों में अनाज के दाने डालकर उनमें जलता दिया रख रही थी। ये त्योहार औरतों का त्योहार है। इसकी ज्यादा रस्में भी औरतें ही निभाती हैं। ये जो आप घट में गेहूं ज्वार बोते हैं या फिर गर्मी में मूंग के दाने डालते हैं, इसका महत्व क्या है, उसके पीछे भावना क्या है? मतलब और जो कलश में से ज्वार जैसे आते हैं, वैसे ही हम भगवान को, माता जी अम्बे को प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी हरियाली छा जाए। अच्छा,
आप में से कोई बता सकता है कि ये जो नवरात्रि में कलश बिठाया जाता है उसको गरबी क्यों कहते हैं? मिट्टी के इन बर्तनों को गरबी कहते हैं और ये शब्द गर्भ से जा मिलता है। जब औरतों ने पहली बार खुद मिट्टी से अनाज उगाना सीखा और खेती की ये उपज बढ़ने लगी तो इसी के सहारे पहले से ज्यादा आबादी का पोषण संभव हो सका। अनाज की पैदावार और इंसानों की पैदाइश, इस संयोग से कई रीति रिवाज पैदा हुए होंगे और शायद औरत की इस दोहरी शक्ति की ही मातृ देवी के रूप में आराधना होने लगी। त्योहार की धूमधाम 9 दिनों तक चलती है। उधर पहले दिन बोए गए अनाज के दाने पौधे बन गए हैं जो याद दिलाते हैं उस पहली पहली कामयाबी की। शायद ओनम, दशहरा, होली वगैरह में भी उसी की याद को दोहराया जाता है।